यहाँ पे डायनाकॉन के बारे में सवाल है। मौलन शाह पूछ रहे हैं, डायनाकॉन 100 शेयर हैं इनके पास 1,500 के भाव पे, तो अभी क्या चल रहा है? 1,700 के ऊपर है? नहीं, क्या भाव चल रहा है? नुकसान है इन्हें, 1,366 का भाव है। ओके, तो फिर तो अभी ये थोड़े घाटे में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? हंड्रेड 1500 पे ठीक है, खरीदने की जगह गलत। और अब सिचुएशन ऐसा है कि जो आपने खरीदा है वही निकलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सिंपल। ओके, करना क्या चाहिए फैसला आपको लेना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब तक 1500 नहीं चलेगा निकलेगा, तब तक नीचे वाले लेवल के टेस्ट करने के टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये होगा कि नीचे वाले लेवल टेस्ट कब होंगे। नीचे वाले लेवल टेस्ट तब होंगे जब ये 1275 के नीचे क्लोज होगा, उसके पहले फर्दर डाउनसाइड नहीं आएगी। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 1275 से लेके 1500 के रेंज में इसका कंसोलिडेशन हो सकता है। इधर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इसमें फर्दर चल आ सकती है, एंड देयरफॉर अगर 1275 के नीचे क्लोज हो तो आपका अगर मन करे तो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और 1500 के ऊपर क्लोज हो तो आप जितना चाहें उतना खुश हो सकते हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि सिर्फ खरीदने का भाव गलत हो गया है या खरीदने की जगह भी, मतलब जो चीज़ खरीदी इन्होंने वो भी गलत है या वो ठीक है? वो कंपनी नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। ये तो जैसे आपने बोला ना डायना कौन, तो एक नहीं कोई कॉमेडियन था पहचान कौन, तो मुझे याद है डायना कौन उससे। अच्छा मोटे तौर पे ठीक है। सेल्स ग्रोथ तो दिख रही है। अच्छा, बहुत हाई आरओई बिजनेस है, पता नहीं क्या करते हैं। देखिए ग्रोथ तो अच्छी दे रहे हैं आईटी सेल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, देखिए इनका ना सेल्स बहुत ही लंपी है, तो आप इसको कैसे इतना वैल्यूएशन दे रहे हैं मुझे नहीं पता। बिकॉज कभी 60% ग्रो होता है, कभी 9% ग्रोथ होता है, कभी 70%, कभी 7%। तो मैं बिना डिटेल पढ़े जाने एनुअल रिपोर्ट देखे कुछ बोलना मुश्किल है, बिकॉज कोई ट्रेंड नहीं है सेल्स का, अजीब अजीब सा सेल्स का ट्रेंड है। प्रॉफिट तो फिर भी ठीक है, धीरे धीरे ठीक ही जा रही है, लेकिन सेल्स बहुत ही लंपी है। मार्जिन भी ठीक ठाक है, रेंज में ही चल रहे हैं, बट सेल्स इज समथिंग क्वेश्चनेबल। लेकिन इसको जैसे ही आप ईयरली नंबर पे लेके जाएंगे ना, ईयरली नंबर्स 2021 के बाद बहुत अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं। ईयरली नंबर्स 20% के ऊपर का ग्रोथ दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो 20% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ इज नॉट बैड, अच्छा सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो आप लेकिन समझें कि अगर ये बीस परसेंट के ऊपर इनके तिमाही नतीजों को अगर आप ध्यान से देखें सुमेश, तो ऐसा लगता है जैसे ये सोच कर चलते हैं कि अभी कुछ समय तक इस लेवल पे रखना है, फिर उन्हें लगता है कि एक ही जगह अटके हुए, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फिर उस बढ़े हुए लेवल पे कुछ समय तक रखते हैं, फिर लगता है कि अच्छा अब टाइम आ गया, अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। जैसे इनके अपने हाथ में है कि भाई अब इतना बढ़ा लेते हैं थोड़ा। कुछ तो जरूर है, इसीलिए नंबर्स तो मुझे एनुअली ही समझ में आएंगे, क्वार्टरली मुझे समझ नहीं आ रहे नंबर इनके। एनुअल नंबर्स स्टेबल दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स थोड़े इवेल्युएट करने में इश्यू हो रहा है, लेकिन एनुअल नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं उस हिसाब से 30 टाइम्स प्राइस रनिंग मल्टीपल कुछ भी नहीं है अगर ये है तो। बाकी मुझे कंपनी नहीं पता, आप लोग उसको समझिएगा पढ़िएगा भाई साहब, उसके बगैर काम मत कीजिएगा। तो अगर ये सिंपल है, अगर ये 20-25% का ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं तो 30 टाइम का वैल्यूएशन कोई बड़ा थोड़ी है। ठीक है, जी, मसला यही है कि भाई कंपनी के कामकाज को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा जाए, 2 मिनट में इतनी गहराई से समझना मुश्किल हो जाएगा, और प्राइस पैटर्न के हिसाब से जो कुछ समझ में आता है वो तो अभी सोमेश जी ने बता ही दिया। इस चार्ट में एक और मेरे मन में उलझन होती है कि भाई इसमें रिट्रेसमेंट खींचने बैठे तो कहाँ से रिट्रेसमेंट लगाएं? बताइए पहली नज़र में कि भाई बढ़िया पॉइंट इसमें रिट्रेसमेंट का क्या दिखता है? ठीक है, रिट्रेसमेंट स्विंग से डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला स्विंग आप रिट्रेसमेंट डिसाइड कर सकते हैं जो लो है 1051 का, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हैं, और 1051 एक अच्छा बेस भी होगा, तो इसका रिट्रेसमेंट का
कहाँ आएगा देख लेते हैं। ओके सो ये 1051 वाला जो रिट्रेसमेंट है इसका 61% 62% जो रिट्रेसमेंट है वो करीब करीब यही है 1300 के आसपास, और वो सपोर्ट भी अच्छा हुआ, उसको एक बार अटेम्प्ट करके वहां पे एक सपोर्ट ले चुका है। हाँ, क्लोज नहीं हो रहा है उसके नीचे, which is a good sign and then again a good indication कि इस बारी 1300 के नीचे क्लोज हुआ तो अब आप समझ गए कि करना क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको हजार वाला, जहां से इसका जो है ना, जहां से गंगा निकलती है, वो सबसे अच्छा सपोर्ट है इसका। तो 1050 जो है आप समझें कि जो स्रोत है वहीं से सपोर्ट है, उसके बाद ही वरी है, उसके पहले वरी।